मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ना शुरू किया था। चार्ज क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है और उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मतलब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होती है। यहां पर माइनस लगाना, यहां पर प्लस लगाना, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो चार्ज कैसा है, वो पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी 1.6 × 10⁻¹⁹ का ही होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी 1.6 × 10⁻¹⁹ का ही होगा। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि प्रोटॉन के ऊपर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज में गिना जाएगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज में गिना जाएगा। तो ये तो चार्ज की वैल्यू हो गई। इसके बाद टाइप्स ऑफ जो चार्ज होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज, आपको पता होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में किसको लेंगे? प्रोटॉन्स को। निगेटिव चार्ज में किसको लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को। कोई भी चार्ज पॉजिटिव कब होगा, कब उसको पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा? तो इफ एटम, अगर कोई भी एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, अगर कोई भी एटम, इफ एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स लूज करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वह किस कैटेगरी में आएगा? पॉजिटिव चार्ज की कैटेगरी में, या उसको पॉजिटिव आयंस भी कहा जाता है। दूसरा, अगर एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन, अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो वह किस में आएगा? निगेटिव चार्ज में, निगेटिव चार्ज पार्टिकल कहलाएगा, या फिर वो क्या कहलाएगा? निगेटिव आयंस कहा जाता है। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में ये सब का उतना ज्यादा मतलब नहीं है। ये जब आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, केमिस्ट्री में जब केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह होते हैं तो वहां पर ये चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, वो इसका मतलब ज्यादा समझ में आता है। लेकिन अभी जो चार्ज है वो दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन्स, निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एटम जो है वो निगेटिव कब होगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेता है, तो वो निगेटिव चार्ज या निगेटिव आयंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, देता है, डोनेट करता है, तो उसको पॉजिटिव की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ चार्ज, ये दोनों चीजें आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो अगला जो आपका पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? तो ये आपने पढ़ा होगा कि सेम चार्जेस जो एक समान चार्ज होते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर सेम चार्ज है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। अगर दोनों निगेटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। रिपेल का मतलब दूर हटना, दूर भगाना। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेनली सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अपोजिट चार्ज होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज के पहले हमने देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, ये दोनों बातें हम लोगों ने देखी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सारी बातें समझिए, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? देखिए, कल हम लोगों ने बात किया था कि जो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या उससे छोटा चार्ज पार्टिकल हो सकता है? देखिए, फिलहाल नहीं,
मतलब क्लास 10 में अगर हम पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे नहीं, वैसे आगे अगर चला जाएगा तो इसमें आता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन का भी दो पार्ट होता है, क्वैक्स कहलाते हैं, तो वो अभी नहीं, अभी हम लोग क्लास 10 का देखते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, देखो अगर जैसे मान लो कि ब्लॉक्स है कुछ है तो बिल्डिंग बन रहा है कुछ भी, तो उसका एक अपना सबसे छोटा पार्ट ये होगा, जैसे मान लो ब्रिक्स ईंटें जो होते हैं ईंटा को मिला मिला करके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया, तो इतना बड़ा जो चार्ज है वो एक सबसे छोटे अपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ही तो मिलकर बना होगा ना, बहुत सारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल इकट्ठा हुआ होगा तब तो जाके उतना बड़ा चार्ज बन रहा है। इसका मतलब कि जो चार्ज है चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, तो जो क्यू है क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, एन का मतलब होता है, एन का मतलब ये कोई नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर एन जो है वो कोई नेचुरल नंबर हो सकता है 1, 2, 3 एटसेट्रा। ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी जो चार्ज है, कोई भी चार्ज, क्यू मतलब चार्ज, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, एन का मतलब कोई नेचुरल नंबर, ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, इसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब एनी चार्ज, कोई भी जो चार्ज है इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, एनी चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल का मतलब यहां पे न्यूट्रल नंबर से 1, 2, 3, 4, ये एन की वैल्यू जो होती है वो होल नंबर में होती है, ये 2.5 या कुछ अदर नंबर्स नहीं होते, पॉइंट जैसे मान लो 2.5, क्या ये 3.5 होगा, नहीं, ये क्या कुछ भी पॉइंट होगा, नहीं, ये हमेशा 1, 2, 3, 4 ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन, क्या 3.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, 4.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है, इसलिए हमेशा जो क्यू होगा वो एन इंटू ई का मतलब जो चार्ज है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल जो होता है वो कोई भी चार्ज होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, और ये टर्म कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए इस वजह से न्यूमेरिकल करिए, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, क्या इसका मतलब है देखिए, जैसे मानिए सपोज दैट क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम का, क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपको पता है कि 1.6×10⁻¹ का होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिलाएं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूएंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएंगे, तो अभी हमने पढ़ा क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यू हमने कितना लिया है 1, 1 इज इक्वल टू एन, तो निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन के मिलने से, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6×10⁻¹। अब यहां से एन की वैल्यू निकालिए, तो एन इज इक्वल टू 1/1.6×10⁻¹, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10^19/1.6, इसको इधर कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका हो जाएगा 100/16×10⁻¹, ये पावर वाला पॉइंट को सॉल्व करिए, ये इसको जब डिवाइड करिएगा 16×6 96, 6.25×10⁻¹, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को बनाने के लिए, या 1 कूलम चार्ज अगर कहीं पर 1 कूलम ऑफ चार्ज है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर 6.25×10⁻¹ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए होंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब 6.25×10⁻¹ इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में मिलेंगे, आपस में मतलब इकट्ठा होंगे, तो उनके द्वारा जो कंबाइंड टोटल कंबाइंड जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी 1 कूलम। इस तरीके से मान लो अगर 2 कूलम है, 3 कूलम है, 1.5 कूलम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी जरूरत पड़ेगी वो हम निकाल सकते हैं, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। तो q इज इक्वल टू एन इंटू ई जो अभी हमने पढ़ा यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज में उस चार्ज के लिए कितने इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, कितने स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी, वो चीज कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप इट इज क्लियर, इफ यस तो आप कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा। फिर इसके आगे का जो होगा नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वो डिस्कस करते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, ये चीजें देख लीजिएगा। इसके बाद व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग,
किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा सकता है, हाउ कैन एन ऑब्जेक्ट बी चार्ज्ड। देयर आर थ्री मेथड्स। फर्स्ट वन इज रबिंग, सेकेंड वन इज कंडक्शन एंड थर्ड वन इज इंडक्शन। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। चार्जिंग का मतलब मोबाइल चार्ज मत समझ लेना, मोबाइल सर लगा दिया प्लग वो चार्ज हो गया, वो भी कंडक्शन मेथड है चार्ज कर देगा। लेकिन सिर्फ मोबाइल नहीं, एनी ऑब्जेक्ट जब चार्ज की बात की जा रही है तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर चार्ज होता है, तो वो उसके ऊपर चार्ज कब शो करेगा, उसको कब लगेगा कि हाँ चार्ज शो कर रहा है ऑब्जेक्ट, और चार्ज सबके अंदर होता है तो क्या वो हमेशा शो करेगा, नहीं, उसे कुछ मेथड्स है कब कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होगा। चार्जिंग बाय रनिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, दे आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है, बचपन से पढ़ो देखा होगा तुम सब, सर पिन पकड़ लीजिए बाद में रबड़ दीजिए तो ये चार्ज हो जाता है, किसी दूसरे के पास ले जाओगे तो ये क्या होने लगता है, देखो ये चार्ज होने लगता है, तो ये ऐसे ऐसे आने लगता है अट्रैक्शन, तो ये रबिंग मेथड है। ये कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, ये इसके पहले जितना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया क्या वो समझ में आई, अगर यस तो फिर बताइए अगला वाला जो है ये नेक्स्ट अगले वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं, तब तक इसको देखिए और देख करके कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है।